हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश और आप देख रहे हैं फोर सी यानी कि एजुकेशन फोर सी विद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा बेस्ट सॉफ्टवेयर कोर्सेज फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों अभी आप मैं ये मानता हूं कि अभी आप कॉलेज में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर, या जस्ट अभी पास आउट किए हो, एक दो साल हुए। अगर आप इस बीच में हो यानी फोर इयर्स के जो ये रेंज में बोला उस बीच में हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कोर्सेज पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों जब कभी भी हम लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हर एक इंजीनियर का ये सपना होता है कि खुद का एक कंपनी हो, खुद का बिजनेस हो, सिविल इंजीनियर खास करके। तो वैसे सिविल इंजीनियर को मैं बताना चाहूंगा, दोस्तों उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या कि कुछ बेसिक आइडिया, सिर्फ किताबी नॉलेज होने से, सिर्फ थ्योरी पार्ट के नॉलेज होने से हम बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, खास करके सिविल इंजीनियर्स में, सिविल इंजीनियरिंग लाइन में हम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर कोर्सेज पता होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर कोर्सेज पता होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स में हमारे कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो कितने स्टेप्स में हैंडल किए जाते हैं, कितने स्टेप्स में हमारे कोई प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, हमें बेसिक से चीज को पता होना चाहिए। तो चलिए पहला जो होता है मैं बताता हूं, पहला जो जो प्रोजेक्ट का जो स्टेप होता है मैं वो बता रहा हूं, प्रोजेक्ट स्टेप, जो स्टेप वन होता है 2D ड्रॉइंग। दोस्तों जब भी हम लोग कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर से आप रिलेटेड अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हमेशा प्लान, स्ट्रक्चर, यही सब का ही बिजनेस आता है, यही सब बिजनेस होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग लाइन में। तो पहला क्या है कि हमें 2D ड्रॉइंग हमें पता होना चाहिए। कोई भी प्लान हो, कोई भी स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो उसका 2D ड्रॉइंग पहले हम लोग प्लान बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नंबर टू, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। नंबर टू क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके स्ट्रक्चरली डिजाइन करवाते हैं, उसमें कितने स्टील लगेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने सरिये लगेंगे, क्या क्या, मतलब तो पूरी डिटेल यहां से हम लोग निकालते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग से। नंबर थर्ड जो इसका स्टेप होता है 3D डिजाइनिंग। फिर ये हो जाता है उसको 3D में हम लोग एक्सट्रूड करके देखते हैं कि कैसा है वो, हमें दिख रहा हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से है। ये नंबर थर्ड हो गया। और नंबर फोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई एक हम लोग हटा दे तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, एस्टीमेशन। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत क्या होता है, मनी। मनी हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है, ये रहेगा तो ये सारा कुछ होगा। ये नहीं है यार, यानी कि एस्टिमेशन हमें पता नहीं है सही से, तो हमें कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, ये चारों चीज आपको पता होना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर को ये हमेशा पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर है, अदरवाइज फिर। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि 2D ड्रॉइंग में कौन कौन से कोर्सेस आएंगे, स्ट्रक्चर डिजाइन में कौन कौन से कोर्सेस आएंगे, 3D में कौन कौन से आएंगे, और एस्टिमेशन में कौन कौन से आएंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 2D ड्रॉइंग का, तो सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है हमारा ऑटोकैड 2D। दोस्तों मैं 3D इसमें नहीं बोलूंगा, क्योंकि 3D कैसे भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुका है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप 2D ड्रॉइंग का सोच रहे हो तो ऑटो कैड बेस्ट अभी का डेट में, अभी मैं 2020 में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी 2020 तक ये ऑटो कैड बेस्ट है मार्केट में
फॉर 2D ड्रॉइंग। इससे हम लोग कोई भी प्लान बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो कैड के आज इस वीडियो के बाद मैं वीक में टू डेज आपको ऑटो कैड की रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा, ऑटो कैड में आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू डेज में बाद में डिसाइड कर लूंगा कि कौन कौन से डे में आपको ऑटो कैड की वीडियो दूंगा मैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले तो 2D ड्रॉइंग के लिए हमें ऑटो कैड आना बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आप इसमें मास्टर बन जाओगे ऑटो कैड में तो आप 2D ड्रॉइंग आसानी से बना लोगे। बहुत ही बेसिक सा चीज होता है, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो मैं बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मुझे पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल डिजाइन का, यहां मैं ये नोट करता जाता हूं कि जो बेस्ट सॉफ्टवेयर कोर्सेज है, बेस्ट सॉफ्टवेयर कोर्सेज नंबर वन मैंने बोल दिया ऑटो कैड। जो दोस्तों स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए जो हमारे पास मार्केट में बेस्ट अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर कोर्सेज है उसे हम बोलते हैं स्टैड, स्टैड प्रो भी बेस्ट है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या है कि लोड वगैरह सारे कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैड प्रो में। नंबर थ्री 3D डिजाइनिंग। 3D डिजाइनिंग के लिए दोस्तों हमारे पास एक तो ऑटो कैड 3D, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसे आप नेग्लेक्ट करके चलो, इससे बढ़िया भी कोर्सेस एक आ चुका है स्केचअप। दोस्तों अगर आपको स्केचअप पता है तो आप 3D डिजाइनिंग आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। मैं दोस्तों मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे मैं एक पहले तो ऑटोकैड स्टार्ट करूंगा और मैं धीरे धीरे आपको सारे कोर्सेज में बताता जाऊंगा। और नंबर फोर जो मैं बोला एस्टीमेशन। दोस्तों एस्टिमेशन के लिए आपको मार्केट में ऐसा कोई ये सॉफ्टवेयर कोर्सेस अवेलेबल नहीं है, बट इसको आप मैनुअली आपको एस्टिमेशन मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक आप MS Excel में चाहो तो आप इसे इजीली निकाल सकते हो, मतलब कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। दोस्तों हमारे पास जो कोर्सेस आ गए बेस्ट कोर्सेस में, नंबर टू में स्टैड प्रो, नंबर थ्री स्केचअप, नंबर फोर MS Excel। दोस्तों ये जो बेस्ट सॉफ्टवेयर कोर्सेज है, अगर आप अभी जस्ट कॉलेज में हो, जस्ट पास आउट होने वाले हो या फिर पास आउट के दो साल हो गए, आपको ये चार कोर्सेस हमेशा पता होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। और आप अगर दोस्तों ये दो कोर्सेस भी अगर आप जानते हो तो आप मंथ के इजिली कुछ पैसे आराम से कमा सकते हो, 20,000, 30,000, 15,000 इवन आप इजिली अर्न कर सकते हो, एटलीस्ट 15,000 to 20,000 इजिली अर्न कर सकते हो। कैसे दोस्तों? तो फ्रीलांस में भी बहुत सारे फ्रीलांस एक चीज होता है फ्रीलांस, उसमें भी आप वहां से प्रोजेक्ट लेके उसके प्रोजेक्ट करके उसे जब सबमिट करके वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिले फिर भी आप कमा सकते हो फ्रीलांस से भी जाके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको यहां तक की बातें को बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी कोई भी क्वेरीज होता है आपको दिमाग में आता है कि अपने बिजनेस शुरू करने समय क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगे, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। और नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।